हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल कंटिन्यू आर डिस्कशन ऑन हिस्ट्री क्वेश्चंस फ्रॉम जीएस पेपर 2016। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैज द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स स्ट्रेंथन द कॉज ऑफ इंडियन यूनिटी। तो हमें डिस्कस करना है कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनने के बाद क्या इंडियन यूनिटी को बढ़ावा मिला है या कुछ चैलेंजेस पोज हुए हैं। तो इंडिया में इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद पहले स्टेट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से बांटा गया था, लेकिन बाद में पॉपुलर डिमांड्स की वजह से स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस के अंदर डिवाइड कर दिया गया। तो इसको स्टार्ट करते हैं आंसर को। द डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक स्टेट स्टार्टेड इवन बिफोर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस से पहले ही कई जगह पे लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाने के लिए डिमांड उठने लगी। तो उड़ीसा बिकेम अ सेपरेट प्रोविंस कंप्राइजिंग ओडिया स्पीकिंग एरियाज इन 1936। सो उड़ीसा जो था वो शायद पहला 1936 में पहला एक ऐसा स्टेट बन गया था जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाया गया हो। तो मेजर जो ओडिया स्पीकिंग एरियाज थे उनको इकट्ठा करके ओडिशा स्टेट, ओडिशा प्रोविंस बना दिया गया। तो द पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स वाज बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एज द लीडर्स फेयर्ड दैट द डिवीजन ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज वुड हिंडर द इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन। सो द लीडर्स, द फ्रीडम फाइटर्स, वो लोग समझते थे कि अगर हम लोग लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर कंट्री को बनाएंगे तो उससे सेपरेटिस्ट टेंडेंसी बढ़ने का ज्यादा चांस है, इसीलिए इंटीग्रेशन जो कंट्री का है उसको चैलेंज हो सकता है। दैट इज द रीजन दे डिवाइडेड द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रेदर देन लैंग्वेज बेसिस। तो ये इनका मानना था कि इंटीग्रेशन को चैलेंज हो सकता है, दैट इज द रीजन इन्होंने ये डिसीजन लिया। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया आंध्रा बिकेम द फर्स्ट लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट। तो सबसे पहले आंध्रा के अंदर जो है एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे आंध्र प्रदेश को बनाया जाए। तो पोटी श्रीरामलु ने इस मूवमेंट को लीड किया था और उनकी 56 डेज के बाद जो है उनकी डेथ हो गई थी, जिसके बाद जब आंध्र प्रदेश बिकेम द फर्स्ट लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट, आफ्टर दैट द मूवमेंट स्टार्टेड इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, एंड लेटर महाराष्ट्र, गुजरात एंड पंजाब ऑल्सो बिकेम द स्टेट्स टू बी एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज बेसिस पे इनको भी स्टेट्स का दर्जा दे दिया गया अलग से। तो इनको डिवाइड कर दिया गया, लाइक बॉम्बे वॉज डिवाइडेड इन टू महाराष्ट्र एंड गुजरात, और कुछ और भी रीऑर्गेनाइजेशन हुआ लाइक सौराष्ट्र एंड कच्छ वर इंक्लूडेड इन गुजरात। उसी तरह से पंजाब को अलग अलग भागों में बांट के 1966 में एक हिमाचल प्रदेश जो यूनियन टेरिटरी थी उसमें, उसके अंदर पंजाब के हिल एरियाज को मिला के हिमाचल प्रदेश एक स्टेट बना दिया गया और पंजाब में से हरियाणा को अलग कर दिया गया। तो इस तरीके से जो है लैंग्वेज के बेसिस पे ये स्टेट्स भी बनाई गई। देन द लिंग्विस्टिक, हम लोग इसमें एडवांटेजेस देख लेते हैं अब क्या हुई थी लैंग्वेज बेसिस के ऊपर बनने में। द लिंग्विस्टिक एफिनिटी अमंग पीपल ऑफ अ रीजन हैज बिकम अ बाइंडिंग फोर्स, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट्स हैव बिकम इजियर ड्यू टू कॉमन लैंग्वेज। तो एफिनिटी तो बढ़ गई लोगों के बीच में, जिस रीजन में कोई स्टेट बना और वहां पे मेजरली एक मेजर लैंग्वेज थी उस स्टेट के अंदर, दैट लैंग्वेज बिकेम द बाइंडिंग फोर्स अमंग द पीपल। और एडमिनिस्ट्रेशन तो ईजी हो ही गया क्योंकि एक कॉमन लैंग्वेज है जो मैक्सिमम लोगों के द्वारा बोली जाती है, एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे उनके लिए कम्युनिकेट करना जो है काफी ईजी हो गया। इंक्लूसिव गवर्नेंस एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल कुड बी अचीव्ड कंपेरेटिवली ईजली इफ लोकल लैंग्वेज इज यूज इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन में लोकल लैंग्वेज यूज हुई, इंक्लूसिव गवर्नेंस और पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल की बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि ये इजिली जो है अपनी बात सामने रख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के और जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव है उनके सामने, बिकॉज लैंग्वेज बैरियर नहीं था फिर। तो द लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैव आल्सो हेल्प्ड इन प्रमोटिंग वर्नेकुलर लैंग्वेजेस। तो स्कूल के अंदर लैंग्वेज को प्रमोशन दिया गया जो वर्नेकुलर लैंग्वेज थी, लाइक अगर हम महाराष्ट्र में बात करते हैं तो मराठी को एक मेजर लैंग्वेज जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया महाराष्ट्र की। तो मराठी को प्रमोट भी किया गया स्कूल में, प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ाया गया, देन सेकेंडरी में भी पढ़ाया गया। तो इस तरीके से वर्नेकुलर लैंग्वेज को प्रमोशन मिला है। तो आगे देखते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस हैज एड्रेस्ड अ मेजर ग्रीवेंस व्हिच हैज रिड्यूस्ड द थ्रेट ऑफ सेपरेटिस्ट टेंडेंसी ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो ये जो है लिंग्विस्टिक बेसिस ने एड्रेस किया एक ग्रीवेंस। तो जो लोग लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट को स्टेट की मांग कर रहे थे वो उसमें और भी आगे बढ़ सकते थे, जो कि सेपरेटिस्ट टेंडेंसी को बढ़ावा दे सकते थे। सो उस ग्रीवेंस को जो है इसने कंटेन कर लिया जब लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर स्टेट्स को बना दिया गया। देन इट गेव एश्योरेंस दैट डिफरेंट कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस वुड बी गिवन ड्यू रिस्पेक्ट, एंश्योरिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो
अलग कल्चर्स और लैंग्वेजेस इंडिया के अंदर एक साथ रह सकते हैं, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो इंडिया का एक ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करता है। देन द एक्सट्रीम एलिमेंट्स इन लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट्स हैव ट्राइड टू प्रमोट सेंस ऑफ रीजनलिज्म। तो ये जो है, ये चैलेंजेस भी जो है सामने आए हैं लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट्स बनाने से, जैसे कि सेंस ऑफ रीजनलिज्म जो है वो बढ़ गया, एंड सन ऑफ सोयल फैक्टर। तो ये सन ऑफ सोयल फैक्टर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है, इसको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी काफी यूज किया गया, विच में लीड टू एथनोसेंट्रिज्म। तो ये चीजें जो है एथनोसेंट्रिज्म को लीड कर सकती है। व्हाट इज एथनोसेंट्रिज्म? व्हेन वन द पीपल ऑफ वन कल्चर थिंक दैट दे आर सुपीरियर देन द पीपल ऑफ अदर कल्चर्स, दैट इज एथनोसेंट्रिज्म। तो एथनोसेंट्रिज्म को भी बढ़ावा इन चीजों से मिल सकता है। सन ऑफ सॉयल क्या होता है कि कोई जगह जब डेवलप हो जाती है तो लोग कहते हैं कि इसका जो भी फ्रूट्स है दैट शुड बी एंजॉयड बाय दिस सन ऑफ द सॉयल, दैट मीन्स द पीपल ऑफ दैट एरिया, तो उसको हम लोग सन ऑफ सॉयल बोलते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें देख लेते हैं हमने क्या क्या इसमें क्वेश्चन में किया है। सबसे पहले हमने देख लिया कि प्री इंडिपेंडेंस टाइम में क्या हो रहा था, तो उड़ीसा पहला स्टेट बना था। देन उसके बाद इंडिया का इंटीग्रेशन कैसे हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से लीडर्स ने इसको डिवाइड किया स्टेट्स के अंदर, बिकॉज उनको उनका मानना था कि ये इंटीग्रेशन ऑफ नेशन को चैलेंज कर सकता है अगर लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर हम लोग स्टेट्स को डिवाइड करेंगे। देन वी सॉ इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया आंध्रा बिकेम द फर्स्ट लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट्स, एंड देन इट वॉज फॉलोड बाय महाराष्ट्र गुजरात पंजाब। उसके बाद हमने देखा कि इसके इसके एडवांटेजेस क्या हुई, दैट इट बिकेम ए बाइंडिंग फोर्स अमंग द पीपल ऑफ दैट रीजन। देन ये कॉमन लैंग्वेज यूज होने से क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन जो है इजी हो गया और लोगों का पार्टिसिपेशन इसके अंदर बढ़ गया। देन द लिंग्विस्टिक स्टेट्स ऑल्सो हेल्प इन प्रमोटिंग वर्नेकुलर लैंग्वेजेस। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकेडमी अवार्ड देती है इन लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, देन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस एड्रेस्ड अ मेजर ग्रीवेंस। तो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी जो भी थी लैंग्वेज बेसिस पे उसको कंटेन कर दिया ये फॉर्मेशन की वजह से। देन एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो इंडिया का ऑब्जेक्टिव है वो भी इससे फुलफिल होता है, अलग अलग कल्चर अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग एक साथ रहेंगे और कोई भी अलग होने की जो है उसमें डिमांड नहीं आएगी। देन द एक्सट्रीम एलिमेंट्स इन लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट्स हैव ट्राई टू प्रमोट सेंस ऑफ रीजनलिज्म एंड सन ऑफ सॉइल फैक्टर। तो ये डिसएडवांटेजेस इसके अंदर हो गई जो एथनोसेंट्रिज्म को में रिजल्ट हो सकती है। ओके, नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स इन वेस्ट अफ्रीका वर लेड बाय द न्यू एलीट ऑफ वेस्टर्न एजुकेटेड अफ्रीकन्स एग्जामिन। तो इसमें हमें बस यही रिलेट करना है कि एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स जो थी वेस्ट अफ्रीका में वो लीड किसने की थी, वेस्टर्न एजुकेटेड अफ्रीकन्स जो थे उन लोगों ने। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन रिसेंट ईयर्स, तो इसको हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है अगर आप लोगों ने उसको वेस्ट अफ्रीका की हिस्ट्री को सही से नहीं पढ़ा है। इसमें हम लोग पहले देख लेते हैं कि कौन से पार्ट को हमने यहाँ पे फोकस करना है। तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा फोकस करने वाला पार्ट है इसके अंदर वेस्टर्न अफ्रीका, लाइक सेनेगल, हम लोग सेनेगल के बारे में, गिनी बिसाउ, नाइजीरिया, घाना, कोटेडी आइवरी, तो ये वाले पार्ट्स के बारे में हम लोग अभी इसके अंदर हम लोग एनालाइज कर लेंगे इस आंसर में, और उसी तरीके से आंसर हम इसमें फ्रेम कर सकते हैं। लाइक अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वेस्ट अफ्रीका ऑल्सो विटनेस्ड एंटी कॉलोनियल मूवमेंट इन द 20th सेंचुरी, दीज मूवमेंट्स वर लेड बाय द वेस्टर्न एजुकेटेड अफ्रीकन्स। तो बाकी कंट्रीज में भी 20th सेंचुरी में एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी, सो लाइकवाइज अफ्रीका ऑल्सो विटनेस द सेम थिंग। देन सबसे पहले कहाँ पे, गोल्ड कोस्ट में। तो गोल्ड कोस्ट वॉज पोलिटिकली मोस्ट एडवांस्ड कंट्री इन वेस्टर्न अफ्रीका। तो गोल्ड कोस्ट वही है जो आज जिसको हम लोग घाना बोलते हैं। सो यहाँ पे घाना है, तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ये घाना है। सो दिस वॉज नोन एज गोल्ड कोस्ट। यूएस एंड यूके एजुकेटेड वामे क्रूमा, तो वामे क्रूमा जो थे उन्होंने लीड किया था यहाँ पे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट को घाना में, एंड घाना बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1957। इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट नेशंस इन अफ्रीका टू बिकेम इंडिपेंडेंट। तो इन्होंने पैन अफ्रीकन जो कॉन्फेडरेशन था उसको भी प्रमोट किया कि डेवलपमेंट ऑफ अफ्रीका में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारा अफ्रीका एक साथ मिलकर डेवलपमेंट की कोशिश करे। और ये क्रूमा जो थे ये बाद में इंडिपेंडेंस, घाना के इंडिपेंडेंस के बाद ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ घाना। देन नाइजीरियन मूवमेंट की बात करते हैं। नाइजीरियन मूवमेंट नाम दी आजिकीवे, ही वॉज द लीडिंग फ्रीडम फाइटर इन नाइजीरिया। ही वॉज यूएस एजुकेटेड एंड ही वॉज अ जर्नलिस्ट।
He became active in Nigerian youth movement. He became Governor General of Independent Nigeria in 1960 and became its president in 1963 as Nigeria became a republic. So Namde Azikiwe, he was also US educated, and he led Nigerian youth movement. The Nigeria पहले डोमिनियन स्टेटस नाइजीरिया को जब मिल गया था 1960 में ही बिकेम गवर्नर जनरल एंड लेटर व्हेन नाइजीरिया बिकेम रिपब्लिक ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया. तो ये जो पार्ट है दिस इज नाइजीरिया. ठीक है. देन अमिलकर कैब्रुल ही वाज एजुकेटेड इन लिस्बन. तो पोर्चुगल में ये पढ़े थे एंड वाज एन इंटेलेक्चुअल पोएट रेवोल्यूशनरी एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजर. तो अमिलकर कैब्रुल ने जो मूवमेंट स्टार्ट की थी दैट वाज वायलेंट मूवमेंट और ये गोरिल्ला मूवमेंट को लीड कर रहे थे अगेंस्ट पोर्चुगीज. तो ये कहां पे थे? गिनी बिसाउ में. ही ट्रेन रेवोल्यूशनरीज इन घाना विद द हेल्प ऑफ क्वामे क्रूमा. तो हमने पढ़ दिया था क्वामे क्रूमा कहां पे थे? घाना के प्रेसिडेंट बने थे. तो इन्होंने इसको सपोर्ट किया था मूवमेंट को. तो ये मूवमेंट 1970s तक जो है चली थी. हमने देख लिया इसमें 1957 में घाना जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया था. तो आफ्टर दैट इन्होंने गिनी बिसाउ की जो मूवमेंट है उसके अंदर भी क्वामे क्रूमा ने सपोर्ट किया एंड अमिलकर कैब्रल ने उस मूवमेंट को लीड किया था जो पोर्तुगीज के अगेंस्ट एक वायलेंट मूवमेंट रही. तो हम लोग इसमें गिनी बिसाउ की बात करें तो गिनी बिसाउ कहाँ पे? यहाँ पे गिनी बिसाउ है. देखिए ये गिनी बिसाउ है. देन नेक्स्ट इज लियोपोल्ड सीडर सिंघोल. ही वॉज एजुकेटेड इन फ्रांस एंड वॉज ए सेनेगलीज पोएट एंड फ्रीडम फाइटर. तो सेनेगल के ये फ्रीडम फाइटर थे. ये रहा सेनेगल. सेनेगल के फ्रीडम फाइटर थे ये सिंघोल. देन फेलिक्स होफो बोइनी ही वाज आल्सो एजुकेटेड इन फ्रांस एंड ही प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन अफ्रीकन पॉलिटिक्स एंड डी कॉलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका. ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आइवरी कोस्ट इन 1960. तो अब ये कोटे डी आइवरी हो गया है. तो कोटे डी आइवरी में इन्होंने मेजर रोल प्ले किया था. ये रहा कोटे डी आइवरी. तो ये कुछ फ्रीडम फाइटर्स थे उस समय जो वेस्ट वेस्ट अफ्रीका के अलग अलग कंट्रीज में दे प्लेड देयर इंपॉर्टेंट रोल टू मेक देयर कंट्रीज इंडिपेंडेंट. तो इसको कंक्लूड कर देते हैं आंसर को. द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ अफ्रीका विटनेस्ड पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट एज वेल एज वायलेंट रेवोल्यूशन. तो कुछ कंट्रीज के अंदर तो पीसफुल मूवमेंट रही लेकिन कुछ कंट्रीज में वायलेंट रेवोल्यूशन रही. जैसे कि हमने यहां पे देखा था वायलेंट रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन हमने यहां पे देखी गिनी बिसाउ के अंदर अगेंस्ट द पोर्चुगीज. देन मेनी कंट्रीज ऑफ अफ्रीका फेस प्रॉब्लम्स ऑफ अनस्टेबल गवर्नमेंट्स सिविल वॉर्स मिलिट्री कूस एंड एथनिक स्ट्रगल्स. तो अफ्रीका के अंदर आज भी ये प्रॉब्लम्स प्रेवलेंट है. आफ्टर इंडिपेंडेंस अफ्रीका लगातार इन चीजों के साथ स्ट्रगल कर रहा है. अनस्टेबल गवर्नमेंट्स है बार बार वहां पे मिलिट्री कूस होते हैं और एथनिक स्ट्रगल्स आर टुडे ऑल्सो दे आर द प्रॉब्लम फॉर दीज अफ्रीकन नेशंस. तो हम लोग इसमें देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हमने इसमें कौन कौन सी कंट्रीज को हमने इसमें कवर किया था. सो सबसे पहले हमने ये बोल दिया कि बाकी कंट्रीज की तरह यहाँ पे भी जो मूवमेंट है 20th सेंचुरी में एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट रही. देन गोल्ड कोस्ट वॉज द फर्स्ट कंट्री जो ज्यादा एडवांस था पॉलिटिकली एंड वी टॉक्ड अबाउट क्वामे क्रूमा इन गोल्ड कोस्ट. देन उसके बाद नामदी अजिकावे इनका नाइजीरियन मूवमेंट के अंदर जो है कॉन्ट्रीब्यूशन था जो नाइजीरिया बाद में रिपब्लिक बन गया एंड बिकेम द प्रेसिडेंट. देन रोल ऑफ अमिलकर कैब्रल इन गिनी बिसाउ एंड देन लियोपोल्ड सेडर सिंघोल इन सेनेगल एंड फेलिक्स होफो बोइनी इन कोटे डिवोर. और ये हमने फिर लास्ट में कंक्लूड कर दिया कि जो अफ्रीका की जो फ्रीडम स्ट्रगल की स्ट्रगल थी वो दोनों तरह की रही. वायलेंट भी रही और कुछ एरियाज में नॉन वायलेंट भी रही. और आफ्टर इंडिपेंडेंस भी यहाँ पे मिलिट्री कूज और एथनिक स्ट्रगल्स की प्रॉब्लम चलती रही. सो आज हमने दो क्वेश्चंस देख लिए एंड दैट एंड्स आर 2016 क्वेश्चन पेपर. तो जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस 2016 क्वेश्चन पेपर में थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं एंड आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट विद द 2015 क्वेश्चन पेपर.